माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर नई वीडियो, नई जानकारी और ताजा अपडेट के साथ। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले त्रिकुट पर्वत पर आग लगी थी और जिसके चलते हेलीकॉप्टर सेवा को रोका गया था, क्योंकि जो आग थी वो हेलीपैड के आसपास ही लग रही थी। ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा को रोका गया था। उसी से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट हम आपको शेयर करने जा रहे हैं, तो आपसे विनती है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और कोशिश कीजिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आप और भी भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी भक्त माता रानी जी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत सावधानी बरत लें। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि त्रिकुट पर्वत पर आग लग जाने के कारण हेलीकॉप्टर सर्विस को रोक दिया गया था। ऐसे में भक्तों को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। जिन भक्तों की हेलीकॉप्टर की टिकट बुक थी उनको पैदल यात्रा करना पड़ रहा था या फिर घोड़े या पालकी से यात्रा करनी पड़ रही थी, तो ये थोड़ी मुश्किल वाली बात थी भक्तों। पर अभी आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवा तो शुरू हो चुकी है, पर आग काफी भीषण रूप ले रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आग अभी बुझी नहीं है और वो धीरे धीरे और भी जगह भरती जा रही है, और ये आग भरते हुए हिमकोटी मार्ग की तरफ जा रही है। ऐसे में भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आज हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया है, ताकि आग की चपेट में भक्त ना आ जाए या उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। उसको ध्यान में रखते हुए हिमकोटी मार्ग को आज फिलहाल बंद किया गया है। ऐसे में भक्तों को अपनी यात्रा हाथीमत्था वाले रूट से करनी पड़ रही है। साथ ही भक्तों, बता दें हिमकोटी मार्ग बंद होने से जो आपको बैटरी कार की सुविधा दी जा रही थी वो भी फिलहाल आज के लिए बंद है। आज जो भी भक्त माता रानी जी की यात्रा पर जा रहे हैं उनको अर्धकुंवारी से ही हाथीमत्था वाले रूट से भेजा जा रहा है, और वो उसी रूट से माता रानी जी के भवन पर पहुंच रहे हैं और अपने दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों, आपको बता दें इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई घबराने वाली बात है। हाथीमत्था वाला मार्ग भी अच्छा बना हुआ है, उसमें भी भक्तों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि थोड़ी चढ़ाई पड़ जाती है, या फिर जिनका प्लान था बैटरी कार से जाने का उन भक्तों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, पर भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते ही प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया जाए। पर आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि मार्ग को कल वापस खोल दिया जाए। हालांकि अभी हमारे पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आग पर काबू पाने के लिए वहां पर जो विभाग के लोग हैं वो निरंतर काम कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आग पर काबू किया जाए। पर आपको पता है कि जो जंगल की आग होती है तो वो बहुत जल्दी काबू में नहीं आती। ऐसे में प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो जल्दी आग को बुझा दें और जो भी यात्रा मार्ग में मुश्किल आई थी वो भक्तों के लिए दूर हो जाए। अभी के लिए फिलहाल भक्तों हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आज अभी फिलहाल हिमकोटी मार्ग बंद है, तो जो भक्त अभी यात्रा पर निकल रहे हैं या फिर आने का प्लान कर रहे हैं वो थोड़ा सा समय लेकर चले। इन एनी केस कल भी यात्रा नहीं खुलती है हिमकोटी मार्ग से, तो वो हाथीमत्था वाले मार्ग से जाकर पैदल यात्रा कर सकें या फिर घोड़े पालकी से जा सकें। क्योंकि आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी, ऐसे में आपको दो ही ऑप्शन है, या तो आप हाथीमत्था वाले रूट से पैदल यात्रा करें या फिर घोड़े या पालकी के माध्यम से आप यात्रा कर सकते हैं। बाकी यात्रा मार्ग में आपको कोई असुविधा नहीं है, सारी फैसिलिटीज आपको पहले की तरह मिल रही हैं। आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी मिल जाएंगे, रूम, डॉर्मेट्री, धर्मशाला, ये सारी भक्तों के लिए खुली हुई हैं। बेबी वॉकर भी मिल रही है। फिलहाल सिर्फ बैटरी कार ही बंद है, क्योंकि वो हिमकोटी मार्ग से जाती है और चूंकि रास्ता बंद है तो फिर बैटरी कार भी आपको बंद ही मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी जी जल्दी सब कुछ ठीक कर दें और जल्दी भक्तों की यात्रा पहले की तरह चलती रहे और उनको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हमें उम्मीद है कि वीडियो सुनने के बाद आपके मन में जो भी डर था या फिर जो भी चिंता वाली बात थी वो दूर हो गई होगी और आप लोग अपना यात्रा का प्लान पहले की तरह ही बनाए रखेंगे। माता रानी जी की यात्रा पर जाइए, माता रानी जी पे विश्वास रखिए और माता रानी जी का जाप करते हुए यात्रा करेंगे, तो आपको यात्रा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी यही प्रार्थना रहेगी माता रानी जी से कि जो भी भक्त माता रानी जी की यात्रा पर आ रहे हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो और बहुत ही अच्छे दर्शन भक्तों को प्राप्त हो। बोलो सांचे दरबार की जय।